रेडी। स्टार्ट। अपनी उत्पत्ति के बाद से मानव ने अपने विकास के लिए नित नए प्रयोग किए हैं और उसमें अपेक्षित सफलताएं भी हासिल की हैं। विराम। वैज्ञानिकता के विकास के बाद मानव में अनेक प्रकार की विसंगतियां भी आ गई हैं। विराम। अब मानव ने विज्ञान के सहारे मानव के विनाश के लिए ही अनेक शस्त्रास्त्र विकसित कर लिए हैं। विराम। अर्थ को विशिष्टता और सामाजिक श्रेष्ठता प्रदान कर मनुष्यत्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया गया है। विराम। क्योंकि आज प्रत्येक मनुष्य कम से कम समय में अधिक से अधिक अर्थोपार्जन की सोचने लगा है। विराम। तीव्र विकास की अंधी भेड़चाल में विज्ञान का भी नकारात्मक प्रयोग किया जाने लगा है। विराम। इस कारण यह तथ्य सोचनीय हो गया है कि विज्ञान की क्या सीमाएं हैं और क्या होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि ऐसा नहीं होने पर विज्ञान की उत्पत्ति जिस उद्देश्य से हुई है कहीं उसी की समाप्ति न हो जाए। विराम। पैरा। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन से किसी ने पूछा था कि तीसरा विश्वयुद्ध कब होगा। तब उन्होंने जवाब दिया था, तीसरे विश्वयुद्ध के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर चौथे विश्व युद्ध के बारे में बता सकता हूँ। विराम। कारण चौथे विश्व युद्ध के लिए कोई इस दुनिया में जिंदा रहेगा ही नहीं। विराम। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि वर्तमान समय में विश्व आणविक व परमाणु बम के जखीरे पर बैठा हुआ है। विराम। पैरा। मानव आज प्रस्तर युग व बैलगाड़ी युग से चलकर अंतरिक्ष युग में पहुंच गया है। वह अपनी सफलता तथा चारों तरफ विज्ञान के चकाचौंध से फूला नहीं समा रहा है। विराम। ज्वलंत प्रश्न यह है कि क्या आज विज्ञान को सीमा के अंतर्गत बांधा नहीं जा सकता। सबे दिन जात ने एक समान के अनुसार मनुष्य आज उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है कि वहां से पीछे मुड़कर देखना उसके वश की बात नहीं रह गई है। विराम। हाँ, एक काम वह कर सकता है, अति सर्वत्र वर्जयते के अनुसार वह अपने कदमों को आत्म नियंत्रित अवश्य कर सकता है ताकि सीमा के बाहर जाकर वह खुद अपने ही बुने मकड़जाल में मकड़ी की तरह फंस न जाए। विराम। पैरा। विज्ञान ने मनुष्य की असीम कल्पनाओं को यथार्थ जगत में साकार करने का कार्य किया है। विराम। जहाँ जहाँ मानव मस्तिष्क गया उसकी इच्छाएं, उसकी जिज्ञासाएं जैसे जैसे अपना विस्तार पाती गई वहीं वहीं विज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति हेतु निर्माण किए तथा अपनी जिज्ञासाओं की पूर्ति हेतु अनुसंधान। विराम। वैज्ञानिक क्षमताएं मनुष्य को इतने ऊंचे स्तर पर ले जा चुकी है जहां वह विज्ञान का उपयोग सृजन में कर सकता है और दुरुपयोग विनाश में। विराम। जैसा कि आणविक शक्ति से हुए विनाश को जापान अब तक भुगत रहा है। विराम। भ्रूण या लिंग निरीक्षण स्त्री प्रजाति के विनाश के लिए कार्य कर रहा है। विराम। इसी तरह अत्यंत नवीन कार्य है अंग प्रत्यारोपण। विराम। अंग प्रत्यारोपण के लिए मनुष्य का मात्र शरीर के रूप में क्रय विक्रय किया जा रहा है। विराम। किसी गरीब को
कुछ लाभ देकर अंग विशेषतया गुर्दा निकाल लिया जाता है या जबरन उसके अंगों का व्यापार किया जाता है। विराम पैरा। सरोगेसी तकनीक निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान स्वरूप है, परंतु कुछ विकासशील देश जैसे कि भारत में महिलाओं का प्रयोग सरोगेसी के व्यापार के रूप में किया जाने लगा। विराम। जिसके चलते भारत सरकार को कानून बनाना पड़ा। विराम। विज्ञान अपने पैर अब नहीं रोक सकता। विराम। दिनम दिन विज्ञान नई जानकारियां जुटा रहा है और प्रकृति के सूक्ष्मतम रहस्यों से पर्दा उठा रहा है। विराम। विज्ञान की अपनी कोई सीमा नहीं है, परंतु जो मनुष्य उसका उपयोग कर रहा है उसके विचारों में शुभ अशुभ सही गलत को पहचानने की असीम शक्ति है। विराम। विज्ञान के पास विस्तार के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। विराम। परंतु मनुष्य के पास विकास तथा विनाश दो विकल्प हैं। विराम। विज्ञान चेतन जगत की जड़ सूचना है। विराम। इस सूचना को कैसे और किस प्रकार उपयोग में लाया जाए यह मनुष्य के हाथ में है, अन्यथा जो अग्नि भोजन पका सकती है मनुष्य को जलाकर राख भी कर सकती है। विराम पैरा। प्रकृति के रहस्यों की जानकारी से मनुष्य के बहुत से मिथक टूट गए हैं। विराम। आज वह जानता है कि किसी जड़ वस्तु से किसी चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विराम। व्याधियां कोई ऊपरी हवा के कारण नहीं वरन किसी अन्य कारण से है। विराम। भूत प्रेत अंधविश्वासों के मोहजाल से मनुष्य बाहर आया है, परंतु ज्ञान का सही स्थान पर प्रयोग करना उसे अभी सीखना है। विराम पैरा। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। विराम। जिस दिन विज्ञान के आविष्कार को सीमा के अंतर्गत बांध दिया जाएगा उसी दिन विज्ञान की प्रगति के द्वार बंद हो जाएंगे। विराम। भारत विज्ञान के इस प्रगतिशील दौर में सभी सीमाओं को तोड़कर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। विराम। यहाँ न केवल चिकित्सा कृषि प्रतिरक्षा उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ईंधन ऊर्जा तथा धातु एवं तेल क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं एवं इनके लिए प्रयोगशालाएं दिन रात नए नए प्रयोग कर रही हैं, अपितु अंतरिक्ष विज्ञान में भी विश्व प्रगति पथ पर पांव छड़ा चुका है। विराम। आज अंतरिक्ष मनुष्य का चौथा पर्यावरण माना जाता है। विराम। पहले अन्य तीन पर्यावरण हैं, पृथ्वी महासागर एवं हवा। विराम पैरा। अंतरिक्ष युग का आरंभ 1957 में स्पुतनिक एक के प्रमोचन से शुरू हुआ था। विराम। हाल ही के वर्षों में अंतरिक्ष में स्थापित किए गए उपग्रह जो आज मानव सेवा में रत हैं इस बात के प्रमाण हैं। विराम। इससे पहले कभी भी हमारे पास मौसम के बारे में इतना विस्तृत ज्ञान नहीं था कि हम तूफान के केंद्र की स्थिति अथवा चक्रवात की प्रगति का पता लगा सकते हैं। विराम। आज के कंप्यूटर युग में बढ़ चुके मानव के कदमों के परिणाम स्वरूप दूरसंचार के अंतर्गत प्रदानित सुविधा फैक्स इंटरनेट वेब व सेल्युलर फोन ने पूरे विश्व को एक घर में तथा मुट्ठी के अंतर्गत बांध दिया है। विराम पैरा। जहां धर्म ने एक तरफ मानव की मानसिक एवं आत्मिक उन्नति को प्रशस्त किया है, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ने मानव का बाह्य विकास भौतिक साधन
के रूप में किया है विराम। विज्ञान का वास्तविक प्रयोग हम मानव के विकास व विध्वंस दोनों रूप में करते जा रहे हैं विराम। विश्व के बड़े बड़े देश विज्ञान के बढ़ते चरण के परिणाम स्वरूप छोटे छोटे देशों को अपने बाहुपाश में जकड़ने का हर संभव प्रयास करते जा रहे हैं विराम। एक व्यक्ति को, एक गांव को, एक शहर को नष्ट करने के लिए आज 100 करोड़ रुपए की लागत से लड़ाकू विमान जैसे मिग, मिराज, कैनबरा, जैगुआर आदि बनाए जाते हैं और अंतरिक्ष में पहुंचने की होड़ में अरब खरब रुपए स्वाहा किए जा रहे हैं। वहीं मानव मात्र के विकास हेतु उसके 10% के बराबर भी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं विराम।